और आइए अब एक बहुत ही शर्मनाक खबर, और ये खबर आई है यूपी के गोरखपुर से। गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल एक बार फिर से बदनाम हुआ है, सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, वो भी शहर के सबसे बड़े सरकारी बीआरडी अस्पताल में। ये मामला दरअसल शनिवार देर रात का है। एक नाबालिग से बीआरडी अस्पताल की छत पर रेप की कोशिश की गई है। नाबालिग किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर नग्न अवस्था में नीचे भागी। लड़की की चीख सुनकर लोग वहां पहुंचे, फिर लोगों ने चादर से लड़की को ढका। पुलिस के मुताबिक लड़की यूपी के बलरामपुर की रहने वाली है। घर वालों से नाराज होकर एक हफ्ता पहले वो लखनऊ आई, जहां उसे एक महिला मिली। महिला ने नौकरी का झांसा देकर उसे गोरखपुर बुलाया। महिला ने खुद को बीआरडी अस्पताल की नर्स बताया था। गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल पहुंचने पर जब रात को नाबालिग ने फोन चार्ज करने की बात कही, तो महिला के दो तीन साथी पुरुषों में से एक उसे फोन चार्ज करवाने की बात कहकर छत पर ले गए, और फिर उस लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई, और वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए नग्न अवस्था में ही नीचे आई। फिर वहां मौजूद लोगों ने उस लड़की की मदद की, और नाबालिग जब अपनी जान बचाकर भाग रही थी तो आसपास के लोगों ने उसकी चीख पुकार सुनी, नाबालिग की मदद की। चश्मदीदों ने क्या कहा है उस घटना को देखकर, सुनिए। मुझे पता नहीं था, मैं एक्चुअली अपने किचन में गया हाथ धोने के लिए, तो मैं सुना आवाज़, उसी आवाज़ के दौरान मैंने छत भागा, तो मैंने देखा कि लड़की नग्न हालत में थी। क्योंकि बगल में एक आंटी है, वो अपने कपड़े लेकर के वो आई और लड़की को कपड़े से शर्मसार होने से बचा ली। मैं गया पीछे कुछ कचड़े फेंकने के लिए डस्टबिन में। कितना बज रहा होगा? लगभग 9-10 के आसपास हो रहे हैं। उसके बाद आवाज़ ही सुनी चिल्लाने की, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो फिर हमने छत पर आकर के देखा तो एक लड़की थी, सॉरी नग्न अवस्था में थी, वो अब बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और भाग कर आई हमारी तरफ। हम लोग कुछ समझ में नहीं आया, बस नीचे से गए चादर लेकर आए, उसके ऊपर उसकी हेल्प कर दी। बहुत परेशान थी बेचारी। और अब इस घटना पर पुलिस का कहना है कि नाबालिग के हर दावे की जाँच की जा रही है और उसके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। एक सप्ताह पहले ये बलरामपुर से लड़की अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ भागकर लखनऊ चली गई थी। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये जो लड़की है, ये कल 2 बजे ट्रेन से गोरखपुर आई है। तो एक महिला, इसका नाम बता रही है जो अभी वेरीफाइड नहीं है, वो महिला इसको गोरखपुर स्टेशन पर मिली और वहाँ से ये महिला उसको यहाँ बीआरडी कॉलेज लेके आई। फिर बता रही है कि इसको बताया गया कि आपको नौकरी हम दिलाएंगे, और नौकरी दिलाने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। मतलब कुल मिला के इसको नौकरी दिलाने के नाम पर इससे कुछ पैसे लेने की बात हुई, और इसका फिर ये भी कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर जो इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी कुछ उसमें लड़के थे उनके द्वारा किया गया। जो महिला उसको यहाँ पर लेके आई और एक व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप है, दोनों के अंदर FIR दर्ज करी गई है। इस घटना की विवेचना की जा रही है। जो पीड़िता के पेरेंट्स हैं उनको भी संज्ञानित कर दिया गया है और वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल और बाकी जो विधिक कार्रवाई है यथाशीघ्र करके इस घटना का अनावरण किया जाएगा। तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि नौकरी का झांसा देकर लड़की को वहां पर लाया गया था और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल जहां पर रेप की कोशिश इस लड़की के साथ हुई है, इससे पहले भी विवादों में रह चुका है। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले आखिर कैसे विवादों में आया था बीआरडी अस्पताल। पिछले साल यहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी। इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत को लेकर भी चर्चा में रहा है यह अस्पताल। काफी किरकिरी इस अस्पताल की ओर चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में है बीआरडी अस्पताल में यूपी बिहार नेपाल से मरीज यहां पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो पहले बच्चों की मौत के लिए सुर्खियों में था, अब रेप की कोशिश यहां एक नाबालिग से हुई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।